आजकल हर किसी को हेयर फॉल, कम हेयर ग्रोथ, स्किन डलनेस, कैल्शियम, आयरन की कमी को फेस करना पड़ रहा है। आफ्टर द एज ऑफ 30 ये सब कुछ ज्यादा ही होने लगता है। तो आज हम घर पे ही ग्लूटेन फ्री, शुगर फ्री, हेल्दी बायोटिन लड्डू बनाएंगे जिसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, पर आप आराम से इसको 2 से 3 महीने स्टोर करके रख सकते हो। आज हम 2 तरीके के लड्डू बनाने वाले हैं, जो कि अगर आप रोज 1 लड्डू 1 महीने तक खाएंगे तो 1 महीने में आपको डिफरेंस जरूर समझ में आएगा एंड बाहर का सप्लीमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करके इसमें ले लेंगे 1.5 कप मूंगफली। आप रोस्टेड बिना छिलका वाला मूंगफली भी ले सकते हैं, पर क्योंकि हमने छिलका वाला मूंगफली लिया है तो हम इसको पहले भूंज लेंगे एंड इसके छिलके को निकाल लेंगे। मूंगफली एक बहुत ही गुड सोर्स ऑफ बायोटिन होता है, जिसमें हेल्दी फैट एंड जिंक होता है, जो कि हेयर ग्रोथ एंड स्किन डलनेस को ठीक करता है। इसको अभी हम एक कपड़े में डालेंगे और अच्छे से घिस देंगे तो सारे छिलके आराम से निकल आएंगे। इसे एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी माना जाता है। नेक्स्ट हम लेंगे 1 फुल कप से थोड़ा कम पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स रिच इन मैग्नीशियम, आयरन एंड फाइबर होता है, जो कि हमारा डे टू डे रेगुलर खाने से पूरा नहीं हो पाता। आज हम जो जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे वो सब कुछ रिच इन कैल्शियम, प्रोटीन, मैंगनीज, पोटेशियम, नेचुरल ऑयल, ओमेगा 3 या फिर फाइबर से भरा हुआ रहेगा, जो कि हमारा स्किन, हेयर, नेल्स एक्सेट्रा को हेल्दी रखने में मदद करेगा, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा, हॉर्मोन्स को मेंटेन करेगा, ये सब में ये बहुत फायदेमंद होता है। पम्पकिन सीड्स को भूनने के बाद हमने लिया सनफ्लावर सीड्स, इसको भी उसी तरीके से हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। इसमें नेचुरल ऑयल्स भरपूर होता है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो आज हम ले रहे हैं वो मॉडरेशन में खाएंगे तो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो आज हम जो लड्डू बनाएंगे वो अगर रोज 1 लिया जाए तो 1 महीने में जरूर डिफरेंस समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लेंगे फ्लेक्स सीड्स, जिसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो इस लड्डू का बेनिफिट को डबल कर देता है। ये लड्डू मैं एक बार में 2 महीने के लिए बना के रख देती हूँ एंड रोज 1 लेती हूँ एम्प्टी स्टोमक। ये लड्डू आप विंटर हो या समर हो, कोई भी सीजन में ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो फ्लेक्स सीड्स है वो भूंज गया है, तो अभी हम ले लेंगे एलमंड्स एंड उसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज लेंगे। ये बहुत ही गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन ई है, तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इसलिए रोस्ट कर रहे हैं ताकि हम इसको काफ़ी टाइम तक स्टोर करके रख सकेंगे। तो एलमंड को हमने अच्छे से भूंज लिया। अभी देखिए, ये जो पीनट है वो ठंडा हो गया है, इसके सारे छिलके निकल गए हैं, तो इसको निकाल के हम रख लेंगे। इसके बाद हमने लिया फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट नहीं लिया, फ्रेश कोकोनट लिया है, क्योंकि इसमें जो नेचुरल ऑयल होता है वो स्किन को ग्लो करने में बहुत मदद करता है। इसको भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज लिया एंड साइड में निकाल लिया। तो अभी हमारे सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो रेडी हो गए हैं, लेकिन हमको चाहिए बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग के लिए आप गेहूं का आटा या बेसन का आटा भी ले सकते हैं, बट हमने यहाँ पे लिया है ओट्स, क्योंकि ओट्स जो होता है वो ग्लूटेन फ्री होता है एंड रिच इन फाइबर, जिंक, आयरन, ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसको भी हम अच्छे से भूंज लेंगे एंड साइड में निकाल लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे सारे नट्स एंड सीड्स को यूज़ किया है, तो इसमें नेचुरल ऑयल होता है, तो हमको कोई भी घी या फिर ऑयल का जरूरत नहीं पड़ा। अभी हम एक के बाद एक सारे नट्स या फिर सीड्स को कूट लेंगे, या फिर आप चाहो तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हो। मैंने सारे इन्ग्रीडियंट्स को हमामदस्ता में कूटा है ताकि ये थोड़ा सा दरदरा रहे और खाने समय मुंह में आए। आप चाहो तो इसको पल्स मोड में ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं या फिर फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक के बाद एक नट्स एंड सीड्स को मैं यहाँ पे कूट रही हूँ एंड फाइनली हम इसको फिर बाइंड करके लड्डू बनाएंगे। इसी तरीके से मैंने गोंद का लड्डू, मेथी का लड्डू, ये सब का लड्डू का रेसिपी बना के अपने चैनल में डाला है, तो आप उसको ज़रूर रेफर कर सकते हैं। सारे चीज़ों को मैंने दरदरा कूट लिया है एंड ये अभी रेडी है लड्डू बनाने के लिए। आज हमने बनाया 2 तरीके का लड्डू, एक बनाएंगे खजूर डाल के एंड दूसरा बनाएंगे गुड़ डाल के। आप चाहो तो इसमें गुड़ या फिर शहद डाल के भी बना सकते हैं, या फिर आपको बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना है तो आराम से इसको डब्बे में ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं एंड सुबह 1 या 2 चम्मच निकाल के खा सकते हैं। तो सबसे पहले पैन को गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे 1.5 कप गुड़ एंड उसको हल्का हल्का मेल्ट होने के लिए वेट करेंगे। जब वो हल्का हल्का मेल्ट होने लगेगा उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी एंड अच्छे से उसको मिक्स करके एंड लिक्विड जैसा बना लेंगे। तो ये देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है एंड ये रेडी है। तो अभी हम इसको जो अपना मिक्सचर है, जो पाउडर हमने बनाया था, उसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए, गुड़ को ठंडा नहीं करना है, जब ये गर्म रहेगा उसी टाइम में इसको जो पाउडर है उसके साथ मिलाना है। गुड़ का जो लिक्विड है वो बहुत ही गर्म होगा, तो ध्यान रखिए इसको हाथ में बिल्कुल नहीं छूना है। एक चम्मच या फिर स्पैतुला के मदद से इसको मिक्स करना है।
जब ये हल्का ठंडा हो जाए, ये देखिए हाथ में थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठा के हम इसका लड्डू बनाएंगे। इसी तरीके से हम खजूर को भी ग्राइंड करेंगे एंड इस मिक्सचर में डालेंगे, उसको मिक्स करके लड्डू बना लेंगे। तो हमारा दो तरीके का लड्डू बन के तैयार हो गया। तो इतना इजीली हमारा बायोटिन लड्डू बन के रेडी हो गया। ये देखिए मैंने पूरा 2 महीने के लिए डब्बा भर के इसको बना के अभी आराम से रख दिया। तो आप इसको जरूर ट्राई करिए एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।